खबर जिला शिवपुरी से, जहां जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश आते ही यातायात पुलिस हुई सतर्क। बिना हेलमेट चलाने वाले बाइक सवारों में मचा हड़कंप। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव आए मैदान में माधव चौक अपने पूरे स्टाफ के साथ, पर बिना हेलमेट चलाने वाले एवं तीन सवारी बैठकर वाहन चालकों को पकड़कर की चालान की कार्रवाई। वहीं शासकीय कर्मचारियों के भी बिना हेलमेट के चालान काटे गए। बोले, बिना हेलमेट के आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते नहीं दिखेंगे, तब तक हमारी यह कार्रवाई चालू रहेगी। कुछ बाइक सवार युवकों के पास पैसे न होने के कारण उन्हें समझाया और बोला कि कल से हेलमेट जरूर लगा कर आएं, दोपहिया वाहन चलाएं। यदि आप बिना हेलमेट के मिले तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। के द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की, क्या कार्रवाई है आज जो चालानी कार्रवाई की जा रही है? इसमें मुख्यतः हेलमेट और तीन सवारी। जब से ये आज से जो हमारा अभियान इसी पे आधारित है कि जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तीन सवारी चल रहे हैं, जी एक्सीडेंटों को रोकने के लिए आज ये अभियान के तौर पर ले रहे हैं। इसमें माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश भी हैं, हमारे पुलिस मुख्यालय के आदेश अभी तक सब कितने चालान हुए हैं, इसमें बिना हेलमेट और तीन सवारी। इसमें सभी शासकीय कर्मचारी, शासकीय कार्य अर्धशासकीय कर्मचारी, पेट्रोल पंपों को भी ये निर्देश है कि वो बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं देंगे। तो आज से हम उनसे भी शाम से पालन करवाएंगे। ये बैनर लगा अभी तक सर कितने टोटल चालान हुए? अभी तक लगभग 30-35 चालान अभी किए एक घंटे में, वो ये निरंतर जारी रहेंगे। और हेलमेट का लगाने का हमारा उद्देश्य है कि सब लोग हेलमेट लगाएं और एक्सीडेंटों को कम से कम किया जाए। एक आपके द्वारा मैसेज हो गया सर, मैं सभी से अपने शिवपुरी शहरवासियों से आग्रह करूंगा, जितने भी टू व्हीलर पर चलते हैं हमारे भाई लोग, बहन लोग, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हेलमेट लगाएं और अपनी जिंदगी बचाएं। तो क्या है कि देखने में आया है, जब भी एक्सीडेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंजरी हेड में आने के कारण मौत होती है। मैं भी चाहूँगा सभी लोग हेलमेट लगाएं और प्रशासन का साथ। सर में भी सीट बेल्ट नहीं लगाया जाता, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? सीट बेल्ट के खिलाफ हम हाईवे पर चालानी कार्रवाई करते हैं और निरंतर ये चालानी कार्रवाई रहती है। ओवर स्पीडिंग की कार्रवाई हम करते हैं और सीट बेल्ट। सर पेट्रोल पंप पेट्रोल देता है, अभी आदेश निकला कलेक्टर साहब के द्वारा, तो जो मोटरसाइकिल वाले खड़े उनके खिलाफ एनबीए कार्रवाई करेंगे और जो आदेशों का पालन नहीं करता उसमें पेट्रोल पर नियुक्त किया जाएगा। नहीं, कैमरे लगे, पुलिस रहती है, वो आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से सूचना मिलेगी, वीडियो मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे।